सबसे पहले मैं आपसे उस खबर के बारे में जानना चाहूंगा क्या यह सच है ये लोग तो कुछ भी लिख नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैंने सुना है आपने पचास मिसल्स खा लिए थे वो भी एक ही वक्त में क्या यह सच है ऐसा मत करो दोस्तों ऐसा हर चीज मत करो दोस्तों मसल्स के अलावा भी बहुत सारी बातें फैली हुई है ठीक है ओके मैं मजाक कर रहा था मान लेता हूं इस बात को लेकिन मैं गहरी बातें नहीं पूछा करता जो भी है वो खबर पचास मसल्स के बारे में क्या मैं जानना चाहूंगा क्या वो सच है? है क्या झूठ है सब आप मुझे ये बताइए आप जो भी करती हैं वो इतना बड़ा मसला क्यों बन जाता है बताइए मेरे पास वाकई में इस बात का कोई जवाब नहीं है क्या, क्या वाकई में हाँ बिल्कुल तो ये बात कहाँ से आई पचास मसल्स वाली ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या आप लोग सेट पे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं मुझे असल में ये सब झूठी अफवाहें हैं दरअसल मैं ज्यादा संजीदगी की तो कर रही हूँ लेकिन इस तरह की बातें कभी खत्म ये डाइट पे और ये कुछ भी नहीं खाती मैं कभी भी वो इंसान नहीं रही जो ज्यादा मसल्स खाते हैं मैं हमेशा लेकिन वो इतनी ले भी बुरी चीज नहीं सब है। लोग कहते हैं इसने पचास मसल्स तो आप आप अपने को मसल्स खाने वालों में शुमार नहीं करती लोग तो कुछ भी कभी भी कहते रहते हैं आपको तो पता है ना कैसा चलता है यहाँ इसे बकलावे खाते देखो क्या मुझे बकलावा की तरफ जाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ आपको पता है हम सब पर ही तनकीद होती है आ, लेकिन मुझे तजस है इस बात का कि बटरफ्लाई अवार्ड से जो आपको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला उस पर की गई तनकीद के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं हैटिक अच्छा रोमांटिक कॉमेडियन हाँ ये सब तो आप पर तनकीद करते ही रहते हैं तो क्या कभी आपने खुद पर भी तनकीद करके देखा है जी मैंने दिमे तक बाज के इंटरव्यू के बाद इस बारे में बहुत सोचा है असल में मैं, मैं इस सिस्टम की एक तनकीद समझ रही हूँ मैं समझ सकती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो मुख्त मायने देते हैं इसको या इसको किसी और नज़रिए से देखते हैं लेकिन मैं उनके नज़रियों की कदर करती हूँ मैंने खुद को तनकीद के लिए तैयार रखा हुआ है बल्कि मैं खुद भी अपनी तनकीद करती हूँ असल में जिन लोगों ने मुझे ये अवॉर्ड दिया है वो कुछ तो जहानत रखते ही होंगे न मुझे इस बात का बिल्कुल कोई डर नहीं है के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या आप कहेंगे? आप बिल्कुल हकदार हैं इस वोट की इनके लिए जोरदार तालियां